दिनांक 26/9/2024 को गोविंदपुर थाना अध्यक्ष को एक सूचना मिली कि अंबा कोल जंगल में एक व्यक्ति का शव गिरा हुआ है। घटना सूचना के सत्यापन के लिए थानाध्यक्ष वहां गए और उसके बाद वहां पे जो व्यक्ति थे उनकी पहचान की गई, तो वो गोविंदपुर डीह के रहने वाले राजन राम थे। और उसके बाद सूचना के आलोक में गोविंदपुर थाना कांड संख्या 289/24 मृतक के पत्नी के फर्द बयान के आधार पर दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना के गंभीरता को देखते हुए मेरे नेतृत्व में एक SIT का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष रोग टेक्निकल सेल और थानाध्यक्ष जो गोविंदपुर है उनका सहयोग लिया गया है। सभी के सहयोग से इसमें जो घटना में संलिप्त दो मुख्य अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और लगातार बाकी लोगों के भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। घटना के बारे में जो अभी तक बात प्रकाश में आई है कि जो मृतक थे वो जंगल में शराब चुलाई करने का काम करते थे और उसी से जो दूसरे जो व्यक्ति थे जो दूसरे चुलाई का काम करते थे उनसे प्रतिस्पर्धा, और जो बाकी एक और जो वहाँ पे वसूली का काम किया करते हैं उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। और इस घटना में संलिप्त जो दो मूल अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, बाकी लोगों को गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया गया। कितने और लोगों का नाम नामजद किया गया है? इसमें 6 लोगों को, बाकी कुछ अज्ञात 6-7 के बारे में बताया गया है। इसका बाकी और लोगों के बारे में हम लोग अभी 6 जो नेम्ड हैं उस पर हम लोग काम करते हुए, 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी। शराब का जो लीगल जो धंधा करता था उसको लेकर गिरफ्तार हुई क्या है? अभी तक के जो अनुसंधान में बात आई है या परिजनों के द्वारा भी जो बताया गया है कि शराब का जो वहाँ पे अवैध चुलाई करते थे और तो उनको डरा धमका के किसी भी तरीके से और उनका भयादोहन किया करते थे कुछ लोग, उसी के कारण और कुछ लोगों से प्रतिस्पर्धा भी थी जो और भी लोग जो इस अवैध धंधा में जो संलिप्त हैं, तो उन लोगों के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो लोग क्या गोविंदपुर के या कहीं और के? जिनकी गिरफ्तारी अभी हुई है इसमें ये दोनों रोह थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो इसमें अभियुक्त बने हैं उसमें कुछ लोग गोविंदपुर के भी हैं और कुछ रोह थाना क्षेत्र के भी हैं। जो दो लोग गिरफ्तार हुए जो गिरफ्तार हुए हैं वो रोह थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। हाँ, ये लोग आपराधिक इतिहास काफ़ी है और ये लोग आपराधिक प्रवृत्ति के रहे हैं। आपके जो केस का डिटेल है वो प्रेस विज्ञप्ति में भी दे दिया गया है, तो आप डिटेल देख सकते हैं कि दोनों के ऊपर काफ़ी पूर्व में भी केसेस दर्ज। नाम क्या सर दोनों का? जो दोनों अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक का नाम है कौशल यादव, केसर रामा यादव जो कि महाकार ग्राम के रहने वाले हैं थाना रोग, दूसरा विकास कुमार और विकास देदर्दी, पिता दशरथ महतो महरावा गांव के रहने वाले हैं रोह थाना। हाँ, कांड SC/ST के अंदर दर्ज किया गया, क्योंकि जो विक्टिम है वो SC/ST समुदाय से।